हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम आपको एक ऐसी स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जिस स्टॉक को अंडर वैल्यू होने के बावजूद इसमें कोई स्टॉक नहीं है दोस्तों। ये करंट प्राइस है 0.36 पैसे का, वही हाईएस्ट भी यही रहा है। बुक वैल्यू है -0.4, वही डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन फेस वैल्यू भी 1 रुपए का है। आरओसी की देखे तो -4.12% है, आरओई देखे तो 0% है, स्टॉक प्राइस रेशियो देखे तो 0 है, लेकिन वही कंपनी का मार्केट कैप्चर देखे तो 25.3 करोड़ आता है। और कंपनी का नाम है मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड, मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड दोस्तों कंपनी का नाम है। BSE में कोड है 50 53 43 और मोनोटाइप इंडिया डॉट इन से आप कंपनी के बारे में ढेर सारी जानकारी पता कर सकते। लेकिन दोस्तों, जब मैं सारी जानकारी पता करने गया तो यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू वेबसाइट में नहीं मिला, अंडर प्रोसेस न्यूज बता रहा था, इसलिए मैं ये आपको स्टॉक रिकमेंडेड नहीं करूँगा। अगर आप स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरा देखें, नहीं तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। मैंने पहले बताया इस कंपनी के अबाउट में कोई भी मेल नहीं खाता है। इस स्टॉक में कभी सेल स्टेट में बंद हो जाती है, कभी चालू हो जाती है। जैसे कि आप ग्राफ के माध्यम से देखिए, जिस ग्राफ में 0.19 पैसे एक बार 2021 में थे और यहाँ पे चढ़ता गया, सबसे हाईएस्ट शेयर गया था। और वही देख सकते हैं आगे जाके शेयर में 2 दिन पहले ही 24 तारीख को ये डिलिस्ट हो गया शेयर। और यहाँ पे स्टॉक धारक शेयर सेल करना चाहते हैं तो शेयर सेल नहीं कर सकते। आप ऐसे स्टॉक में मत निवेश करें कि जहाँ आपका नुकसान हो। मैं नहीं चाहता कि आपका कभी नुकसान हो। या एनालिस्ट में देखें, कंपनी प्रमोटर अच्छे क्वार्टर की उम्मीद लगाए हुए हैं, फिर भी 2019 से प्रमोटर अच्छे क्वार्टर की उम्मीद लगाए हुए हैं, जबकि लोन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से आता है। होल्डिंग भी 25.22% है, जो कि पेनी स्टॉक में ठीक ठाक होल्डिंग है। कंपनी के मालिक थोड़ा सा भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर्स प्रॉफिट अगर सेल्स की बात करें तो वेरिएशन में 81.54 करोड़ का क्वार्टर प्रॉफिट सेल्स हुआ था। सेल्स हुई थी दोस्तों 5.81 करोड़ की, जबकि क्वार्टर सेल्स वेरिएशन में 340.15 आता है। वही आरओसी की देखें -4.13% आरओसी है, डिविडेंड यील्ड में 0% है, जबकि मार्केट कैप्चर में मैंने आपको बताया वही 25.31 करोड़ है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर के होल्डिंग 25.22%, वही पब्लिक होल्डिंग 74.28% 78%। और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर भी दोस्तों जेनुअल होंगे, लेकिन इस स्टॉक पे मैं आपको निवेश करने की सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि स्टॉक में बहुत ही सारी निगेटिव न्यूज है और निगेटिव खबरें हैं। और स्टॉक बहुत ही जल्दी मार्केट से डिलिस्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 2020 के बाद यहाँ पे प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाई ना ही घटाई दोस्तों। यहाँ पे इन्वेस्टरों को अपना पैसा निकालने का मौका नहीं मिल रहा है। एक बड़ा मुनाफा दोस्तों यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग जरूर बाई बैक करेंगे या एग्जिट करेंगे। रेशियो पे अगर आते हैं तो देख सकते हैं मार्च 2019 के। हम दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी के चार्ट और ग्राफ के रुपए के बारे में नहीं बताएंगे, जल्द से जल्द बताना चाहते हैं। देखिए 2019 के बाद इस शेयर में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया। आप ऐसे स्टॉक में सोच समझ के या ना ही निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ। धन्यवाद।